डोली लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो। हर जगह ये अवेलेबल है एक टाइम पर, कैसे? मैं बस सोच रही थी कि हर मोमेंट में हर एक को ऐसे हैप्पीनेस देते जा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? और मैं एक जगह बैठी हुई, मैं बहुत शॉक्ड थी कि कितनी लकी हूँ कि ऐसे कुछ समय तक इसके साथ फ्रेंडशिप में था, बहुत कम समय के लिए। एंड उसी समय में मैंने ये जाना कि इससे सिंपल लड़की मेरे लिए नहीं मिल सकती, और मैं अपने पूरे फैमिली को कन्विंस कर लूँगा। ये मैं फर्स्ट टाइम मैं पहचान चुका था, एंड बस वहीं से ही मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि इतनी पोलाइट, इतनी स्पिरिचुअल भी है ये। एंड बस वहीं से मैंने इसको पहचान लिया कि ये इज द वन। नहीं जाना मेरी माया, मैं दे नाल नहीं जाना। नहीं जाना मेरी माया, मैं दे नाल नहीं जाना। पहली वार मैनू द्योर लेने आ गया, पहली वार मैनू द्योर लेने आ गया। द्योर दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड चुकिया ना जाए, मुंह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। बहुत मासूम है, ही इज सो इनोसेंट, और बहुत क्लियर है हर एक चीज में, पर्टिकुलर है, बहुत ही मतलब लाइक बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं बॉसी हूँ बट वो बिल्कुल ही नहीं। जेठ लैने आ गया, दूजी वार मैनू जेठ लैने आ गया। जेठ दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड चुकिया ना जाए, मुंह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। जब मैं घोड़ी पे बैठा था, बस उसी टाइम मुझे लगा कि अब फील आई है। घोड़ी पे बैठते ही मुझे कुछ वाइब्रेशन सी फील हो रही थी कि हाँ, वो कुछ हो रहा है, अब हमारे रिलेशनशिप की कुछ स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग हो रही है। और जब मैंने फर्स्ट फेरा राउंड स्टार्ट किया, तब मैंने उसको बोला कि अपर्णा, द मोमेंट हैज कम टू यू। तो बस उसको भी लगा कि हाँ, अब सब कुछ हो रहा है, हैप्पीली हो रहा है। मैनू आप लेने आ गया, तीजी बार मैनू आप लेने आ गया। माये दे नाल मैनू जाया भी जाए, कुंड चुकिया भी जाए, मुंह बोलिया भी जाए, कुंडा खोलिया भी जाए।